देवबंद थाना क्षेत्र के जामिया तिब्बिया के ताहिर हाल में नेशनल यूनानी डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के समस्त शिक्षक गणों एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जामिया तिब्बिया के सचिव डॉक्टर अनवर सईद ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि भारत सरकार ने इस दिन को मसीहुल मुल्क स्वर्गीय हकीम अजमल खां के योगदान को देखते हुए नेशनल यूनानी डे घोषित किया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा। देवबंद से अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज जो आपको अवार्ड मिला है उस पे आपका क्या कहना है? सर, आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई एम स्टडिंग फ्रॉम दिस कॉलेज जामिया तिब्बिया देवबंद, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू माय द हार्ड वर्क ऑफ माय टीचर्स आई गेट दिस सक्सेस, एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह दैट ही गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप आगे क्या करना चाहेंगे पढ़ाई पूरी होने के बाद? आई वांट टू डू पीजी इन गायनी। इस्तेमाल में आया या इसका तारुफ हुआ 1306 में मुगल दौर जो हुआ, उन्होंने इसको यूनानी पेथी का नाम दिया। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम इस तरफ जाएं, जैसे अभी अध्यक्ष जी मुझसे पूछ रहे थे कि इसको यूनानी डे आज के दिन या 11 तारीख में क्यों मनाया जा रहा है, हम आज एक दिन लेट हैं, तो मुल्क की पैमाने पर इसको 2 दिन मनाया जाता है, कहीं कहीं ये 14 तारीख में भी मनाया जा रहा है, 15 में भी, जैसे जैसे जहां जिस तरह से उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो वजह इसके पीछे वजह जो है कि आप ये देखिए 12वीं सदी में भी कोई ना कोई हकीम हुए होंगे हिंदुस्तान में, 13वीं में भी हुए होंगे, 1400 में भी हुआ होंगे, लेकिन जो काम हकीम अजमल खान साहब ने 18वीं और 19वीं सदी में, 18वीं सदी में पैदा हुए, 19 में जाकर उनका वफात हुई, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, तो इतने मजबूत उनके वो थे कारनामे, चाहे मुल्क की सतह पर देखें, फ्रीडम फाइटर रहे वो, अगर सामाजिक कार्यों के देखें तो इदारे कायम किए, करोलबाग तिब्बिया कॉलेज, आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज का जो फाउंडेशन है उनके जरिए रखी गई, और जहां तक इसकी प्रैक्टिस के लिहाज से देखा जाए तो उसमें भी उनके नुमाया कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। जामिया तिब्बिया मरकज़े।